नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सहजदीप सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कैनन आई का एक रिव्यू और आपको बताएंगे इसकी प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डिजाइन पे। इसमें आपको 18:9 डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका आपका डिजाइन बहुत बढ़िया लगता है। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं आगे और पीछे से। आपको बहुत ही बेजल कम्स मिलते हैं, साइड में तो बिल्कुल बेजल नहीं मिलते, ऊपर भी बिल्कुल कम बेजल मिलता है। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की मिलती है आपको, पीछे से प्लास्टिक का है, फुल प्लास्टिक है। कैमरा इसमें आपको 13+13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद क्वाड LED फ्लैश। फ्रंट में भी आपको फ्लैश मिल जाएगी इसके। इसका यूजर इंटरफेस HIUS OS मिलता है, जो कि नोगट पे बेस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें बैटरी आपको 3050 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक दिन चल जाती है। इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। अब बात करते हैं इसकी प्रोस की। तो उसकी सबसे पहले प्रोस है इसकी, इसके कैमरा बढ़िया है, कैमरा गुड है। मुझे एक दिन हो गया उसको यूज करते हुए, कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। सेकंड प्रोसेस में 360 फ्लैश मिल जाती है आपको। 360 फ्लैश मतलब इसकी फ्रंट फ्लैश भी चल जाएगी इकट्ठे और बैक फ्लैश भी इकट्ठे चलेगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आपने ये जाना है टॉर्च में, टॉर्च को दबा के रखना है, नीचे ऑप्शन आएंगे 360 फ्लैश। आप देख सकते हैं फ्लैश इसकी आगे से भी चल गई और बैक से भी चल गई, फ्रंट बैक दोनों इकट्ठे चलती है फ्लैश। अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो आप इसे यूज करके एक लैंप बना सकते हैं। थर्ड प्रॉन्स की आती है, तो उसमें आपको लेटेस्ट मिल जाती है डिस्प्ले 18:9 की। फोर्थ प्रॉन्स है इसका कि इसकी 9000 प्राइस है, उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉन्स है। तो फिफ्थ प्रॉन्स की बात करें तो उसका एयर पीस की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। सिक्स प्रॉन्स की बात करें तो स्पीकर की क्वालिटी भी गुड है, जो उसके आउटपुट आता है बहुत ही मीडियम है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बेकार है, मीडियम एवरेज है। सेवन प्रॉन्स की बात करें तो इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी का स्टॉट मिल जाता है, आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसमें, 128 GB तक स्पेंड कर सकते हैं। 8 प्रॉन्स की बात करें तो इसमें आपको प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन गार्ड लगा है, और साथ में आपको एक सिलिकॉन कवर भी डब्बे में मिल जाता है इसकी। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 9 प्रॉन्स की बात करें तो उसका वजन बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का डिवाइस है। 3 mAh बैटरी भी है इसमें, तब भी ये हल्का फोन है। 10th प्रॉन्स की बात करें तो उसमें आपको दोनों साइड 13 MP के कैमरे मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आपके इसमें फ्लैश मिलती थी, LED फ्लैश मिल जाती है सिंगल, पीछे फ्लैश मिलती है, 4 LED फ्लैश मिल जाती है, जो कि क्वाड कोर फ्लैश है। तो ये भी इसकी खासियत है। एक 11th प्रॉन्स की बात करें तो उसकी डिज़ाइन भी गुड है, देखने में बहुत अच्छा लगता है फोन। तो अब आती है इसके बारे कॉन्स की। सबसे पहला क्रॉन्स है इसमें अभी तक नोगट की अपडेट ही है, इसमें अभी तक ओरियो नहीं आया है, तो ये इसकी पहली कॉन्स है। सेकंड कॉन्स की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी गुड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, जो कि क्वाड कोर है। अगर आप इसको हाई यूज करेंगे तो आपको फोन को लैग जरूर होगा, हैंग भी होगा फोन। थर्ड क्रॉन्स की बात करें तो उसमें आपको 3050 mAh की खाली बैटरी मिलती है, अगर थोड़ी ज़्यादा मिल जाती तो और अच्छी बात होती। उसकी फोर्थ क्रॉन्स है कि इसमें आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, अगर मेटल की बॉडी होती तो और बढ़िया होता ये। फिफ्थ क्रॉन्स है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लैगी है, थोड़ा टाइम लगा देता है ऑन होने में, इतना फास्ट नहीं है जैसे कि Xiaomi के सेटों में होता है। सिक्स्थ कॉन्स है इसके डिस्प्ले इसकी 720p है, फुल HD नहीं है, खाली HD है।
सेवन की कौन सा है जिसमें आप फुल HD रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, खाली 720p तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से, और बैक कैमरे से 720p तक 1080 की आप नहीं कर सकते इसमें। 8 प्रॉन्स की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, ना ही इसके साथ फास्ट चार्जर मिलता है। इसके साथ आपको 1.5 एम्पीयर का ही चार्जर मिलता है, सॉरी 1.2 एम्पीयर का। 9 प्रॉन्स की बात करें तो उसमें कौन सी बात करें तो इसमें आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता। जैसे कि आपको पता होगा कि आप स्मार्ट सेटिंग में जाके स्मार्ट अनलॉक में जाके ट्रस्टेड फेस लगा सकते हैं, इसमें आपको वो फीचर भी नहीं मिलेगा ट्रस्टेड फेस का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जाके स्मार्ट अनलॉक में, सिक्योरिटी में आप जाते हैं तो आपको ये मिलता है ना स्मार्ट लॉक का फीचर मिलता है, पर इसमें आप देख सकते हैं ट्रस्टेड फेस का फीचर नहीं है। तो ये इसकी कॉन्स और प्रोस मैंने बताई दी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और मैं आने वाले दिनों में इसका कैमरा टेस्ट भी लाऊंगा और MI A1 के साथ इसका कंपेरिजन भी करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सहजदीप सिंह चैनल।